साल उत्तराखंड में औसत से ज्यादा बारिश आने की संभावना है। इससे जहां एक तरफ आपदा के दंश से भयभीत पहाड़ के लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, वहीं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। जरा इन लोगों को देखिए, केबल से बंधे हैं और कुछ इस तरह से लटक कर ये रास्ता तय कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये लोग मुसीबत में फंसे हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF के जवान हैं, जो मुश्किल में फंसे लोगों की जान को बचाने का अभ्यास करते हैं। ये जवान जनता के बीच जाकर स्थानीय लोग को ट्रेन भी करते हैं। यूं तो पूरा उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, लोगों को आपदा के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस साल अधिक बारिश की भविष्यवाणी से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के माथे पर फिर से चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। ऐसे में SDRF की टीम लोगों को ट्रेंड करने का काम कर रही है। आपदा के समय लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, और पब्लिक और SDRF मिलकर के आपदा से कैसे निपट सकती है, ये हम गांव-गांव जा करके इसको अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, ताकि दोनों मिलकर के हम लोग संभावित आपदा का सामना कर सकें। खैर, इन इंतजामों का असली इम्तहान तो मानसून के समय ही होगा। मई के महीने में पूरे उत्तराखंड में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। अभी तक प्रदेश भर में बादल फटने की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जबकि उत्तराखंड में मानसून आने में अभी 20 से 25 दिन का समय बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के लोग चिंता में हैं कि अगर फिर से उन्हें आसमानी आफत का सामना करना पड़ा तो क्या होगा। मानसून आने से पहले ही 4-5 जगह बादल फट गए हैं। उस हिसाब से लग रहा है कि भविष्य में भी मतलब यहाँ पर बहुत जोरदार बारिश होगी। उससे मतलब शासन और प्रशासन को सजग रहना चाहिए, साथ ही पब्लिक को भी अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई अनहोनी न हो और बड़ी कोई जान माल का नुकसान न हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को प्रत्येक जिले में आपदा शैल बना के जगह जगह जहाँ जहाँ पर हमारी नदी घाटियाँ हैं, उन जगहों पर अपने कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए, जिससे उत्तराखंड की जान माल का नुकसान न हो सके और आदमी अलर्ट रहे। फिलहाल तैयारी हो रही है, दावे भी हैं, वादे भी हैं, पर क्या ये किसी मुसीबत के समय कारगर साबित होंगे। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।